राहुल गांधी को सदन द्वारा अयोग्य घोषित किए जाने के बाद से ही लगातार कांग्रेस केंद्र की मोदी सरकार पर हमलावर है। जबलपुर में भी इस फैसले के खिलाफ लगातार प्रदर्शन किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने रांची क्षेत्र में कैंट विधायक के कार्यालय के सामने पुतला दहन का कार्यक्रम आयोजित किया था, लेकिन इसके पहले कि युवक कांग्रेस नेता पुतला जला पाते, पुलिस ने उन्हें गोहलपुर में ही रोक कर पुतला छीन लिया। कांग्रेस नेता अंकित मिश्रा के नेतृत्व में किए गए इस प्रदर्शन में पुलिस और युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच में पुतले को छीनने को लेकर जमकर झड़प हुई। इस बीच पुलिस भी किसी भी स्थिति से निपटने के लिए पूरी तरह से मुस्तैद दिखी। विधायक कार्यालय के सामने प्रदर्शन करने को आए युवा कांग्रेस नेताओं को पुलिस ने समझाया, तब कहीं जाकर उन्होंने अपना प्रदर्शन समाप्त किया। जबलपुर से वाजिद खान की रिपोर्ट। आज हमने यहाँ पे गोकलपुर वार्ड में स्थित सभी युवा भाइयों ने युवा कांग्रेस के नेतृत्व में जो हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी हैं, जिनके बारे में आप सभी जानते हैं, जो विगत 6 महीनों से लगातार अपना सब कुछ छोड़ के अपने उन्होंने पैदल यात्रा करके एक अपने देश को समझने की कोशिश की। आज उनके साथ जिस तरीके से लोकतंत्र में जो नहीं होना चाहिए वो अमित शाह और मोदी जी ने किया है, जिसके गुस्से में और जिसके एक क्रोध में आके हमने यहाँ पे उनका पुतला दहन किया है। और हमारी मांग ये है कि अगर उनके साथ सही तरीके से लोकतांत्रिक तरीके से उनके साथ सही नहीं होता है तो युवक कांग्रेस लगातार ऐसे ही प्रदर्शन रोड पे करेगी। पुतला भी आपको पुलिस ने जला दिया है, छीन लिया है क्या? आपके सामने पुतला जला है और हमने आज नरेंद्र मोदी जी को साड़ी पहन के पुतला जलाया है, क्योंकि उनकी 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 हरकतें भी वही थी। नाम बताइए। अंकित मिश्रा। अंकित मिश्रा। युवा कांग्रेस।